दोस्तों, इंडिया का सबसे पहला WWE रेसलर द ग्रेट खली को तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो अपनी लंबी कदकाठी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दोस्तों, यह भारत के सबसे पहले कुश्तीबाज थे जो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी कि WWE में गए। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द ग्रेट खली की एक ऐसी समस्या के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से द ग्रेट खली इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा ही ऐसी अमेजिंग वीडियो इस चैनल पर मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि द ग्रेट खली को ऐसी कौन सी समस्या हो गई जिसकी वजह से उन्हें इतने कम समय में ही WWE से रिटायरमेंट लेना पड़ा। जैसा कि दोस्तों हम सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि साल 2006 में जब द ग्रेट खली ने पहली बार WWE में अपना डेब्यू किया था, उस समय द ग्रेट खली का शरीर काफी ज्यादा तगड़ा और मस्कुलर हुआ करता था, और उस समय द ग्रेट खली काफी ज्यादा ताकतवर और फुर्तीले हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ साल बाद ही द ग्रेट खली का शरीर वैसा नहीं था जैसा कि पहले हुआ करता था। दोस्तों, पहले के मुकाबले अब द ग्रेट खली पहले से ज्यादा सुस्त और कमजोर हो चुके हैं, और इनकी इस कमजोरी का सबसे बड़ा कारण उनके पैर हैं, जो कि धीरे धीरे द ग्रेट खली का साथ छोड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर हम इसका कारण जाने तो असल में द ग्रेट खली को एग्रोमेथी नाम की एक बीमारी है। इस बीमारी की वजह से किसी इंसान के शरीर में काफी ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस भी इंसान को ये बीमारी होती है, उस इंसान का शरीर काफी अजीब तरीके से बढ़ने लगता है। दोस्तों, ये बीमारी द ग्रेट खली के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये बीमारी द ग्रेट खली को बचपन से ही है, और उन्होंने बचपन से ही इस बीमारी के चलते काफी समस्याओं का सामना किया। दोस्तों, इस बीमारी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जो भी व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में आता है, वह व्यक्ति 40 से 45 साल की उम्र तक तो अपना शरीर आराम से संभाल सकता है। लेकिन दोस्तों, 40 साल के बाद ही यह बीमारी धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, और शरीर के जो भी अंग इस बीमारी की वजह से काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, वह धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, और इसी के साथ ही वह व्यक्ति भी कमजोर होने लगता है। दोस्तों, आज के समय में अगर हम द ग्रेट खली को चलते हुए देखें तो वो काफी अजीब तरीके से चलते हैं। अपनी इस बीमारी की वजह से खली को चलने में भी काफी ज्यादा परेशानी होती है। दोस्तों, द ग्रेट खली का ऊपरी शरीर तो नॉर्मली है, लेकिन अपने पैरों की समस्याओं की वजह से वो चलने में काफी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, और इसी समस्या के चलते साल 2012 में द ग्रेट खली को अपने पैरों की सर्जरी भी करवानी पड़ी थी। दोस्तों, इस बीमारी की एक सबसे बुरी बात यह है कि जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी होती है, वह व्यक्ति 50 से 55 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जी पाता। दोस्तों, मैं आपको बता कि इस बीमारी के चलते ही द ग्रेट खली का शरीर इतना असामान्य तरीके से बढ़ गया। दोस्तों, इस बीमारी ने द ग्रेट खली को काफी ऊंची कदकाठी का रेसलर तो बना दिया, लेकिन उसी बीमारी ने उन्हें आज के समय में इतना ज्यादा कमजोर बना दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी द ग्रेट खली ने अपनी कमी को कभी भी अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया। दोस्तों, आज के समय में द ग्रेट खली अपनी जिंदगी में काफी खुश रहते हैं, और द ग्रेट खली का कहना है कि कभी भी अपनी समस्या को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।